सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, आज कहाँ? स्विमिंग पूल में सर। काम? यस सर। सर, लड़की के जिस्म पर ना तो कोई चोट का निशान है ना ही कोई जख्म है। ये एक मर्डर का केस है सर, कोई एक्सीडेंट का केस नहीं। और ये मर्डर भी पार्टी में ही मौजूद किसी शख्स ने किया है। लेकिन शर्मा, सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ है कि इस लड़की के कत्ल के पीछे मकसद क्या हो सकता है? किसने किया होगा इसका कत्ल? क्या दुश्मनी होगी इस लड़की की किसी से? शर्मा, कॉल दी एम्बुलेंस। ओके सर। दुश्मनी? मेरी बेटी अंजलि इतनी हसमुख, इतनी खुश मिजाज थी कि उसका किसी झगड़ा या दुश्मनी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यू मीन डॉक्टर वर्मा, आपकी बेटी अंजलि का कत्ल किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि दोस्त ने किया? इंस्पेक्टर साहब, कई बार दोस्त दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। मिस्टर अनिल, पार्टी में आप लोगों ने जितने गेस्ट को इनवाइट किया था, क्या वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं सब, या कुछ लोग लौट गए? देखिए इंस्पेक्टर, वापस पार्टी तो अभी शुरू हुई थी इंस्पेक्टर विजय, फिर कोई वापस क्यों जाएगा? हाँ, लेकिन रजत नजर नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ गया होगा। ओ यस, मुझे याद आया, वो लाश बरामद होने के कुछ देर पहले ही मैंने उसे घबरा कर भागते हुए देखा है। आप लोग ये बताइए कि उसे इनवाइट किसने किया था? मैंने। वो अंजलि का और मेरा काफी अच्छा दोस्त है, वो हमारी पार्टीज में हमेशा शामिल होता है। लेकिन अचानक वो चला क्यों गया? हाँ, वो तो मैं भी सोच रही हूँ। सिमरन जी, क्या मुझे रजत का पता मिल सकता है? श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका अंजलि के मर्डर से कोई रिश्ता हो सकता है। कत्ल से उसका रिश्ता था या नहीं, ये तो बाद की बात है, लेकिन अंजलि से तो उसका रिश्ता था। पार्टी में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं पार्टी छोड़कर चला आया। अंजलि को जानते हो? अंजलि की मौत का मुझे बहुत अफसोस है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। अंजलि की मौत हुई, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे किसी ने फोन पर बताया। किसने? मुझे याद नहीं। क्यों झूठ बोल रहे हो मिस्टर रजत? Why you lying? हकीकत में तुम्हें किसी ने फोन पर अंजलि की मौत के बारे में नहीं बताया, बल्कि तुमने खुद अपनी आंखों से अंजलि की लाश को देखा था, और अंजलि को लाश में तब्दील करने वाले भी तुम खुद हो। यू किल्ड हर। ये झूठ है, मैंने कोई खून नहीं किया, भला मैं उसका खून क्यों करूंगा? मैं बताता हूँ, तुम जैसे स्पॉइल्ड चाइल्ड जो शराब के शौकीन होते हैं, ज्यादा शराब पीने के बाद उनके अंदर का शैतान बाहर निकलता है, शैतान की हवस होती है लड़की, और तुम लोग अपनी किसी सहेली को जो आप पर यकीन रखती है उसी को अपने हवस का शिकार बनाते हो, जैसे कि अंजलि को तुमने बनाया। मेरा यकीन करिए इंस्पेक्टर विजय, जिस वक्त मैं पार्टी से चला उस वक्त अंजलि पार्टी में नहीं थी। राइट, इसीलिए तुम चल कर
उसे ढूंढते हुए स्विमिंग पूल तक पहुंचे। वहां पर तुमने अंजलि को अकेले पाया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की और अंजलि ने तुम्हें धमकी दी कि वो बाहर जाकर तुम्हारी जलील हरकत के बारे में सबको बता दे। राइट? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं जो तुमने किया है मिस्टर रजत। तुम अंजलि की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे। तुम जानते थे कि अंजलि की आदत है छोटी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तुम डर गए। तुम ऐसा लगा कि तुम्हारी जलील हरकत को बाहर जाएगी पार्टी में सबको सरेआम कितने गलत तरीके से बताएगी। उसी खौफ में मिस्टर रजत तुमने अंजलि का कत्ल कर दिया। ये सच नहीं है इंस्पेक्टर विजय। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं अंजलि के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लूं। हमारे पास गवाह मौजूद है मिस्टर रजत, जिसने तुम्हें स्विमिंग पूल की तरफ से आते हुए देखा था और उसके बयान के मुताबिक उस वक्त तुम बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। फिर भी तुम्हें लगता है मिस्टर रजत बाबू कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो मिसाल के तौर पर हम पुलिस वालों को और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। ये नाखून जो आपकी उंगली का है वह इस वक्त उखाड़ सकता हूं। शर्मा, पुलिस का डंडा इस्तेमाल कब होता है जानते हैं रजत बाबू? थर्ड डिग्री टॉर्चर में बर्फ की लादी पर लिटा कर आपकी शर्ट निकाली जाएगी और आपको पीटा जाएगा तो आप क्या आपकी सास पूछते भी सच उगल देंगे? हाँ, मैं मानता हूं ये सच है कि मैं स्विमिंग पूल की तरफ गया था। एक्चुअली पार्टी में अंजलि ने मुझसे कहा था कि वो कुछ मुझे बात बताना वाली है और उसने मुझे पूल के पास बुलाया था। फिर जब मैं पूल के पास गया तो मैंने देखा अंजलि की लाश को देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि अगर किसी ने मुझे यहां देख लिया तो मुझे खातिर ठहराएगा, इसलिए मैं वहां से भाग निकला। मुझसे यही गलती हुई कि मैंने ये बात किसी को बताई नहीं। ऐसी कौन सी बात थी मिस्टर रजत जो अंजलि तुम्हें अकेले में बताना चाहती थी? मुझे नहीं पता, मगर हाँ उसने उसने उस रात कहा था कि उसने 12 साल पहले एक कत्ल होते देखा है, एक लाश को दफन होते देखा है। अंजलि जो हमेशा झूठ बोलती थी, शायद उसकी बात ये सच हो और कातिल उस पार्टी में ही मौजूद हो और उसने ये सुन लिया हो। और इससे पहले कि अंजलि किसी को ये बात बता सकती, उस कातिल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया हो। कातिल जो भी, वो अंजलि को खामोश करके भी नहीं बच सकता, क्योंकि शायद उसे पता नहीं होगा कि इंस्पेक्टर विजय मुर्दों से भी सच उगलवा लेता है। रजत आपसे झूठ बोल रहा था इंस्पेक्टर कि अंजलि ने 12 साल पहले यहाँ कोई मर्डर होते हुए देखा था। उसकी तो हमेशा से झूठ बोलने की आदत थी, उसकी इस आदत को हर कोई जानता था। हम सब उसकी झूठ से परेशान थे। वो झूठ इतनी सफाई से बोलती थी कि हर कोई उसे सच मान लेता था। अगर उसने ऐसा कहा भी तो ये उसकी एक मनगढ़ंत कहानी थी, हर बार की तरह एक झूठ। हो सकता है इस बार अंजलि सच बोल रही थी और वो ऐसा सच, वो ऐसी हकीकत जो उस शख्स ने उस पार्टी में सुन लिया हो कि अंजलि क्या कहना चाहती है। और जो कहना चाहती थी वो एक कत्ल के बारे में जो 12 साल पहले हो चुका था। कातिल को ये खौफ पैदा हो गया कि इसके पहले अंजलि कुछ कह पाती किसी को, कातिल ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इंस्पेक्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 12 साल पहले तो क्या
आज से 20 साल पहले तक भी यहां पर इस तरह का कोई कत्ल का हादसा हुआ नहीं। इंस्पेक्टर, अंजलि के मुंह से कत्ल वाली बात मैंने भी सुना था, इसलिए तो मैं उसे पार्टी में ढूंढ रहा था। किसने? उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि अगर ये सच है तो मुझे अपने लेटेस्ट नॉवल के लिए एक इंटरेस्टिंग प्लॉट मिल जाएगा। 12 साल बाद एक कत्ल का खुलासा, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर अफसोस इंस्पेक्टर, मैं उस इंटरेस्टिंग प्लॉट से महरूम रह गया। अगर हम मान भी ले कि अंजलि सच बोल रही थी, उससे मर्डर होते हुए देखा था, पर उसकी मौत के साथ ये राज भी खत्म हो गया है। इंस्पेक्टर विजय, अंजलि ने झूठ बोला आपसे, हमसे और सबसे कि उसने कोई कत्ल होते हुए देखा था, लेकिन ये बात सच है कि आज से 12 साल पहले यहाँ एक कत्ल हुआ था। लेकिन ये बात आप इतने ठोस, किस आधार पर कह रही? वो आधार मैं खुद हूँ। हाँ इंस्पेक्टर विजय, ये बात सच है कि आज से 12 साल पहले मैंने कोई मर्डर होते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन मैंने एक लाश दफन होते हुए जरूर देखी थी। ये बात मैंने अंजलि को बताई, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक अंजलि ने ये बात सबको ये कहकर सुनाई कि इस हादसे की वो खुद एक गवाह थी। You mean to say, ये झूठ अंजलि की जिंदगी का आखिरी झूठ साबित हुआ? यू कह सकते हैं कि अपने ही झूठ का खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर। एक बात बताएंगे आप सिमरन जी, कि आपने उस लाश को या उस लाश दफन करने वाले को अपनी आंखों से देखा था? नहीं, उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही था और मैं काफी दूर खड़ी हुई थी, और फिर कातिल ने अपने चेहरे को कुछ इस तरह छुपा रखा था कि उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल था। वो जगह याद है आपको? ऑफ कोर्स, मैं वो जगह कैसे भूल सकती हूँ जहाँ हैवानियत ने इंसानियत को दफन किया था। वेरी गुड, वेरी नाइस सिमरन जी। मुझे यकीन है कि अगर लाश उस जगह पर दफन हुई होगी तो जरूर वहां पर उसके कंकाल का कोई ना कोई अंश हमें जरूर मिलेगा, और वो अंश ही हमारे लिए वो सबूत होगा उस कातिल तक पहुंचने का। ऐसा कातिल मैं भी जानना चाहूंगा उसे, कि जिसने 12 साल पहले के इतिहास को अंजलि के कत्ल के साथ दोबारा जिंदा कर दिया। क्या आप मुझे वहां ले जा सकते? रात में उस जगह को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सुबह होते ही मैं आपको वहां ले चलूंगी। ऑलराइट, फिर आपसे सुबह मुलाकात। शुभ रात्रि। सर, मुझे नहीं लगता कि यहां कुछ मिलेगा हमें। सर, अभी तक तो यहां से कुछ मिला नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी की लाश दफन की गई है। और कहीं ऐसा तो नहीं सर कि अंजलि की तरह सिमरन को भी झूठ बोलने की आदत? श्योर शर्मा, मुझे सिमरन की बातों में सच्चाई नजर आती है, और इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? ताकि अंजलि की तरह लोग इनके झूठ को सच मानकर इनकी तरफ आकर्षित हों। आई डोंट थिंक सो। सिमरन इतनी बड़ी नादानी नहीं करेगी शर्मा, हमारे साथ तो नहीं। ये देखिए सर। ए स्टॉप इट, रोक दो। सर यहां तो वाकई किसी की लाश दफन की गई है। अंदर कोई भी चीज मिले उसे डिस्टर्ब नहीं करना, एज इट इज रहने दो। शर्मा, यू गो एंड चेक। ओके सर।
अरे ये बोतल दिखाओ जरा। सर एक इंजेक्शन की बोतल है ये, जो कि गल चुकी है। अरे ये क्या है इधर? हाँ निकालो इसको गले में से। ओ ये देखिए, लगता है ये तस्वीर मरने वाले की है। किसका फोटो है सर? अ लेडी, एक लड़की की। मैं इसे देख सकती हूँ? मैं इसे पहचानती हूँ, ऐसी फोटो हमारे घर के एल्बम में है। क्या मैं वो एल्बम देख सकता हूँ? Sure. All right. Thank you.